ये कहता है ये गुजरात के विकास का मॉडल उसका है। आप मेरी बात से सहमत हो गए, वो गरीब चाय बेचने वाला चाय बेचकर गुजरात का विकास नहीं कर सकता है। आखिर कहीं ना कहीं तो कुछ तो रहा होगा, इसकी वजह से विकास हुआ, उसको केंद्र की सरकार को, यूपीए की सरकार को, मनमोहन सिंह जी को और यूपीए की चेयरपर्सन को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया और बाकायदा सभी प्रदेशों के विकास का हिस्सा उन प्रदेशों को मिला जो जनहित की योजना है।